नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। 10 मई शाम 7 बजे के बाद भारत और पड़ोसी देश नेपाल की सीमा सील कर दी जाएगी। बता दें कि नेपाल में पंचायत चुनाव 13 मई से होना है, जिसको लेकर दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है और ये तय हुआ है कि 10 मई से भारत और नेपाल के जो सीमा है उसे 72 घंटे के लिए सील किया जाएगा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं कि आखिर अधिकारियों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है और सीमा सील होने के बाद किन किन चीज़ों की छूट दी गई है और क्या कुछ इस बैठक में तय किया गया है। ऐसे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत नेपाल सीमा को 72 घंटों के लिए सील किया गया है। पड़ोसी देश में 13 मई को पंचायत चुनाव होना है, जिसे देखते हुए दोनों पक्षों के अधिकारियों ने यह फैसला लिया है। एम्बुलेंस सेवा और शादी विवाह के कार्यक्रम को प्रतिबंध की सूची से बाहर रखा गया है। नेपाल बॉर्डर को सील करने को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है, जिसमें इस बात पर सहमति बनी है। बता दें कि भारतीय क्षेत्र में बड़ी तादाद में लोग रोजाना नेपाल जाते हैं और नेपाल से लोग भारत के सीमावर्ती इलाकों में आते हैं। ऐसे में 72 घंटों तक सीमा सील होने से आम जिंदगी प्रभावित हो सकती है। जानकारी के अनुसार नेपाल में 13 मई को होने वाले स्थानीय पंचायत चुनाव को लेकर दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच नवलपरासी जिला के सुनवल में बैठक हुई है। बैठक में पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार बघा, के एसपी किरण कुमार जाघव के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ऐसे में नवलपरासी जिला के जिलाधिकारी श्रवण कुमार पोरेल ने बताया है कि बैठक में भारत नेपाल सीमा चुनाव को देखते हुए 72 घंटे के लिए इसे सील करने का फैसला लिया गया है। साथ ही स्थानीय पंचायत चुनाव 13 मई को है, इसलिए चुनाव से पूर्व 10 मई की शाम 7 बजे से लेकर 13 मई की शाम 7 बजे तक भारत से लगती नेपाल की सीमा सील रहेगी। ऐसे में आपको बता दें कि एम्बुलेंस सेवा और वैवाहिक कार्यक्रम में छूट दी गई है। चुनाव के 72 घंटे के दौरान जो सीमा सील रहेगी, लेकिन इसके बावजूद वैवाहिक कार्यक्रम और एम्बुलेंस सेवा के लिए छूट दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया है कि नेपाल में होने वाले स्थानीय चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हो सके, जिसको लेकर भारतीय सुरक्षा अधिकारियों का सहयोग मांगा गया है। और साथ ही बैठक में ये तय किया गया है, निर्वाचन के समय सीमा क्षेत्र से अवैध हथियार की आपूर्ति होने की आशंका को देखते हुए सीमा क्षेत्र में गश्ती बढ़ा दी गई है और इसी तरह सीमा क्षेत्र से प्रतिबंध ड्रग्स की तस्करी रोकने, मानव व्यापार और साथ ही अवैध तस्करी के विषय को लेकर बैठक हुई है। बैठक में एसडीएम दीपक कुमार मिश्रा भी मौजूद थे। तो बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से नेपाल में पंचायत चुनाव संपन्न हो सके, जिसको लेकर भारत के अधिकारियों के साथ नेपाल के अधिकारियों ने बैठक की है और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि शादी विवाह और एम्बुलेंस सेवा पर मनाही नहीं होगी, लेकिन आम लोगों के लिए ये जो सीमा है वो सील कर दी गई है और 72 घंटे के लिए इसे सील करने का फैसला लिया गया है। 10 मई शाम 7 बजे से लेकर 13 मई शाम 7 बजे तक ये जो नेपाल की सीमा है वो सील रहेगी, जिसके बाद जैसे ही चुनाव संपन्न होगा इसके तुरंत बाद इसे हटा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।